सो गाइस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज थोड़ी सी कल चेंज वगैरह आपको देखने को मिल रही होगी। मैंने बाल कटिंग वगैरह करवाई थी कल, तो एक तो मेरी आँख नहीं खुल रही यार। मतलब क्या हो रहा है बाहर, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है ना, धूप भी नहीं है ना वो कुछ है, मतलब नॉर्मल है, मतलब मस्त मौसम हो रहा है एकदम जहर टाइप। तो आज गाइस देखो भाई भी अपना आ चुका है, ये कल आया था रात को। कल दो दिन से तो व्लॉग वगैरह शूट हुए नहीं है, जो हुए थे वो बैक साइड में हुए थे, जो अपलोड हुए हैं बैकअप वाले। तो गाइस अभी हमारा जस्ट प्लान है कि आज मीटिंग वगैरह में जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ साइड वाला बैग ले लेता हूँ, जिसको ब्लॉगर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना साइड वाला बैग, वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसमें ना अपना फ़ोन्स वगैरह मैं अपना डाल लूँगा, माइक वगैरह ये सारी चीज़ें। गाइस मौसम चेक करें आप, लिटरली क्या मौसम हो रहा है। सो गाइस ये हम रेडी हो गए, फोकस लो, ये हम रेडी हो चुके हैं, अभी खाना बन रहा, बन गया हमारा, वो खाना वाना खाते हैं, खाना खा के हम निकलते हैं अपना काम के लिए। सो गाइस अभी हम देख सकते हैं हम दोनों निकल चुके हैं, अभी चल रहे हैं पहले बाहर ऑन रोड, वहाँ से सीधा बस या ऑटो जो भी लेते हैं उससे पहले हम निकालेंगे एटीएम से पैसे, क्योंकि हमारे पास कैश बिल्कुल नहीं है, तो कैश वगैरह निकालने के बाद सीधा चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। भाई आप यहाँ की हालत देख सकते हैं क्या कर रखी है इन्होंने, यही है वो लोग, यहाँ की हालत देख। तो गाइस अभी हमने यहाँ पीछे, जैसे पीछे जो एटीएम दिख रहा है ना, इससे पैसे निकाले हैं, स्कैम चल रहा है बहुत गंदे वाला, यहाँ पे एटीएम में पैसे नहीं है बिल्कुल भी, और ये एटीएम के ही पैसे हैं देखो बिल्कुल सीधे, ये ऐसा लग रहा है जैसे हमने निकाले हैं, बट ये निकाले नहीं है, ये हमने इनको रिश्वत दे के पैसे इनसे लिए हैं। मान लो ये हमने 20 रुपये दिए हैं इनको और 1000 रुपये पे, देखो गाइस क्या चल रहा है, ये एटीएम, ये बहुत गलत सीन चल रहा है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाए, कानूनी नहीं कार्रवाई, सॉरी। गाइस देख सकते हैं आप बारिश हो रही है, फुल मौसम बेहतरीन। तो गाइस पीछे से आ रही है हीट, एक तो हम आ चुके हैं बस के अंदर, बैठ बस पकड़ लिए, देख लो गाइस कहाँ लेटने की बात कर रहा है, इसमें पता कितनी भपकी हो रहा है, इंजन है इसके नीचे, फोकस आ फोकस। सजना जी मैनू छद के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं, जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छद। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा उड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन, हम थोड़ा सा आगे चले गए थे, हमारे दिमाग में ज़्यादा खुजली थी, तो अभी चलते हैं वापस, दिमाग में ज़्यादा खुजली थी आगे चले गए, अभी चलते हैं लोकेशन के पास, फिर सीधा वहीं मिलते हैं आपको। गाइस अभी अपना कंपनी वगैरह का आ चुके हैं, अपना पूरा बीक चुके हैं, पूरा बीक चुके हैं, तो अभी फोन भी बीक गए थे हमारे, तो हमने क्या किया कि नैपकिन वगैरह लिए, पन्नी वन्नी ली, उसमें डाल दिया था पन्नी वगैरह में, तो अभी आके हमने निकाले, हमको सुखाया वगैरह, फिर जाके बात कर रहे हैं, अभी सर आगे बात करते हैं उनसे, फिर मिलता हूँ। तो गाइस अभी हो रही है बारिश, हम तो भीगे हुए हैं, मीटिंग वगैरह कम्प्लीट हो चुकी है, पीछे देख सकते हो आप बारिश क्या कपड़े वगैरह, देखो गाइस मैं बैक कैमरा करके दिखाता, ये हमारी नीलिमा दीदी चाय। सो गाइस एक चीज़ बता रहा हूँ, ये बारिश हो रही है ना, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो वाला सीन हो रहा है, मम्मी स्विमिंग पूल, तो ये देखो बारिश कैसी हो रही है, मेरा तो मन है मैं वहाँ पे जाऊँ भीगता हुआ नहाता हुआ, बट दिक्कत ये है फ़ोन वगैरह भी हमारे दौरे पर पन्नी ले रहे हम, पर वीडियो शूट नहीं हो पाएगी गाइस से। ये देखो भाई मतलब बढ़िया ऑफिस बना रखा है, ये वेटिंग रूम है हमारा, और नीचे से बेसमेंट में नीचे कंपनी है जहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी, ये सामने जो ऑफिस है यहीं पे मीटिंग करी थी हमने, देन ये हमारे ये हैं, और तो गाइस हम आ गए थे अपना साउथ पॉइंट पे मेट्रो स्टेशन के, तो ये रहा भाई पूरे भीगे पड़े हैं सब, पूरे पानी में आ गए, अभी चलते हैं बाहर बस पकड़।
पकड़ते हैं, घर चलते हैं। क्या है? स्विमिंग पूल। अभी इसमें अर्चित नहाए समा चुके हैं। और हाँ, हम ना श्वेता तेरे घर के पास में ही थे, अभी जस्ट घर के पास में जो बाहर गली है ना, वहीं से निकल कर आ रहे हैं। अभी जा रहे हैं हम बस के लिए, तो चलते। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं घर पे और चेंज वगैरह कर लिया, नहा धो लिए थे। अभी खा रहे हैं हम पकौड़ी और चाय। अगर मेरा हाथ चाय गिर गया हाथ पे यहाँ पे, तो शायद रेड अलर्ट इस पर दिख रहा हूँ, नहीं तो ये थोड़ा सा जल सा गया, मतलब ज़्यादा नहीं गर्म, ज़्यादा गर्म भी नहीं थी, मतलब थी इतना कि चीज सी मची हल्की सी, पर झेल सकते हैं मर्द के बाद। भाई पकौड़ी खा रहा है मस्त एकदम। ये 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 हमारी पकौड़ी है और ये चाय कि टेबल पे इसलिए रखे क्योंकि आज का नहीं है जी बैठा हमारी टेबल पे। कोई बात नहीं, नीचे तो हमारा साफ रहता ही है, झाड़ू पोछा हम ही मारते हैं, तो हम नीचे रख के खा रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो गाइस देखूं, सो गाइस अभी चल रही है सफाई किचन की, हम सफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर हमें नीचे जाना पड़ता है सामान वगैरह लेने के लिए, भाई कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक सब के लिए, तो हम सोच रहे ऊपर ही सामान समेट देते हैं। तो अभी चल रही है सफाई, पूरे किचन के सेफ्टी के लिए हमने यहाँ टेप लगा दी है, करंट से भी जानी तो बचानी है। तो आ जाना आप भी मदद करने के लिए कभी आना हो तो, सफाई बहुत होती है हमारे घर। ये सब अर्थी रखने वाला है, अगर ये मेरे से रखवाएगा तो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। अभी ये जो खिड़की साफ करिए ना, हम इसके अंदर से मैल दिखाते हैं आपको, कितना गंदगी निकली हुई है। नीचे देखो, ये है सफाई हमारी, हम ऐसे सफाई करते हैं बिल्कुल प्यार से। नीचे से किसी को सफाई करनी है तो बता देना, 5,000 रुपए एक दिन के किचन किचन के बस करनी हो, नहीं करवानी हो करनी हो। साला बंदा है कि तुम आ जाएगा, 5,000 का नाम सुनते ही यार कोई बात नहीं, कितनी तो साफ करना है। सो गाइस, अभी सारा टोटली काम कंप्लीट हो चुका है, बट अब बस अभी खाना वगैरह चल रहा है हमारा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या काम हुआ है और बताता हूँ। सो गाइस, ये सोफे वगैरह का तो आपको नॉर्मल पता ही है, ये खाना रखा हुआ है हमारा, बाकी आपको अंदर का दिखाते हैं। अंदर का नीचे जो सामान है, जो ऊपर सारा रख भरा पड़ा था, ये सारी स्लेब खाली हो गई, ये नीचे लगा दिया जितना हमने से लगा, और थोड़ा सा ऊपर लगा दिया। ये हमें सजानी भी है यार, इसका भी कुछ जुगाड़ करना है, टीम आ रही है, जब टीम के साथ डिस्कशन करते हैं इसके बारे में कुछ। और ये साइड जो है, हमने इसका दो पार्ट कर दिया, ये साइड ना हमारा किचन के सामान रखने के लिए होगा, जो भी हमारा पानी की बोतल जूस वगैरह जो भी कुछ करना होगा उसके लिए रख दिया। ये अपने पास यहाँ पे भी 3 बोर्ड अवेलेबल हैं, 1, 2, 3, कुछ ज़्यादा काम होता है तो हम ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये कंप्यूटर वगैरह तो मैंने यहाँ पे इसलिए रख दिया क्योंकि यहाँ पे हमें जो है स्पेस चाहिए थी, इस वजह से ये यहाँ पे रख दिया कवर्स वगैरह, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेस है इस वजह से, तो ये यूज़ हो गया हमारे पास। इसकी सफाई हमने करी दी है सारी अच्छे से, रगड़ रगड़ के सोफा मार पोछा मारा हमने, और खाना वगैरह तो यहाँ रखा है, बाकी यहाँ सफाई तो होती है जब मर्जी। यहाँ पे हमने क्या करा है, थोड़े से फूल वाले रख दिए, पेटीएम का QR, पेटीएम कर दो गाइस, जिसको मेरे को पेटीएम करना है पैसे स्क्रीनशॉट लेके। तो ये बोर्ड लगा दिए दोनों साइड पे, यहाँ पे हमें फ़ोन वगैरह चार्ज करना हो, लैपटॉप वगैरह चार्ज करना हो, ये स्पेस इसी के लिए हमने प्रॉपर कर दिया, क्योंकि जैसे शूट वगैरह होता है तो सबके फ़ोन इधर उधर पड़े रहते हैं, हमने काफ़ी बार ये नोटिस करी है मैंने, तो ये स्पेस रख दिया हमने फ़ोन वगैरह रखने के लिए। बाकी लाइट्स के जो अम्ब्रेलाज हैं वो यहाँ पे निकाल के यहाँ रख दिए, अपना ये स्पेस तो थी। और स्पीकर गायब कर दिया गाइस हमने यहाँ से, यहाँ पे मूर्ति रखी है भगवान जी की अपनी मस्त, जयराम जी की। तो ये अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, देन टेप वगैरह जो एक्स्ट्रा सामान था, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड वगैरह रखा हुआ है अपना, बैकग्राउंड बाकी लगा हुआ है। तो ये अम्ब्रेलास की लाइट्स वगैरह हमने निकाल रखे दोनों वाले की। तो और इसके पीछे तार, 2 बोर्ड थे, एक इस साइड है एक ही उसी साइड है, तो हमने लाइट का कनेक्शन भी वहीं से दे दिया अपना, वहाँ पे लगा सामान वगैरह शीशा वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने लाइट लगा दी है। इसकी सेल भी कल ही ले आऊँगा मैं, पक्का है, कल आना भूल जाता हूँ मैं थोड़ा। बाकी ये शीशा लगा ही दिया हमने, और टेबल साफ कर दिया आज। टेबल का ये जो ड्रोर है, एक ये वाली ड्रोर, ये यूज़ के लिए है, मेकअप वगैरह में काम आ जाए, कुछ सामान एक्स्ट्रा हो तो इसमें रख दें। काशवी का चार्जर भी यहीं रखा हुआ है,
बाकी हमने सवार अपना सामान सारा इसमें रख दिया, इसमें पैसे वैसे तो 2-4 रुपये बढ़े हैं। इतनी तो हमारी यूट्यूब की इनकम भी नहीं आ रही है, 1 रुपया भी नहीं आ रहा जो बोले भी हाँ ये यूट्यूब की इनकम है। बाकी हमने ये अपनी एक्स्ट्रा सामान यहाँ रखा हुआ है। अपना यूट्यूब का जो था वो स्पीकर देखो यहाँ लगा दिया हमने, यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ भी सही आएगी और बाकी चीज़ों के लिए। और ये माइक वगैरह का जो एक्स्ट्रा चीज़ है हमारे पास, ये एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं ली तो वो यहाँ रख दिए हैं। ये इसको अभी हम बाहर की साइड चलाते हैं जिससे मच्छर वगैरह ना लगे, अंदर अलाउट लगा ही रखे हमने। बाकी एम्पलीफायर में बंद कर देता हूँ क्योंकि इसका अभी काम नहीं है, ठीक है। ये हमारा बिस्तर यहाँ लगता है डेली डबल बेड का। ये हमारा मोटा सो रहा है, मोटा गेम खेल रहा है मोटा। देखो देखो पबजी वाले पबजी देख सकते हैं आप, ये सो मस्त लेटा हुआ है। अभी एक तकिया भी यहाँ डालना है तो पर्दा हुआ जो वहाँ टंगा हुआ था, हम सोच रहे हैं ना यहाँ पे पर्दा टांग दे। फिर मेरे दिमाग में आया, भाई के दिमाग में ये आया, यहाँ पर्दा ना टांग के यहाँ पे टांग देते हैं क्योंकि सब लोग आना जाना लगा रहता है तो यहाँ पे सही रहेगा, मतलब बाहर बाहर से आउट ऑफ दिखे ना। और इसको हमने कवर अप कर दिया है, बहुत गंदा दिख रहा था ये, थोड़ा सा इसको इस साइड भी सेटिंग करी है, सेटअप कर दिया सारा। भाई अपना ये रहा, हाँ भाई कितनी मेहनत करी है, थक गया यार, क्या काम कराया। तो सो गाइस आज के ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।